हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्लास 7th, चैप्टर नंबर 7, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। द सम ऑफ टू नंबर इज 99। कोई दो नंबर है, उनका सम कितना है? 99। इफ़ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 9, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर हम करेंगे लेट वन नंबर इज बी एक्स। कोई एक नंबर है, उसको तो हमने क्या ले लिया, एक्स, ठीक है। देयर फोर अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर हमारे पास आएगा, क्वेश्चन में दिया गया द सम ऑफ टू नंबर इज 99, सम 99 है। अब अगर 99 में से एक नंबर एक्स है तो दूसरा कितना होगा, 99 में से पहले नंबर को माइनस कर दो, ठीक है। तो दो नंबर हमें पता चल चुके हैं, एक तो है x और दूसरा है 99 माइनस एक्स। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 9। अब उन्होंने ये बोला है कि एक दूसरे से एक्सीड्स मतलब बड़ा होना, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मोर वर्ड यूज़ किया था, अब की बार यहाँ एक्सीड यूज़ किया है। एक्सीड का मीनिंग भी बड़ा ही होता है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 9, कि एक दूसरे से कितना बड़ा है, 9। अब छोटा बड़ा कैसे पता चलता है, कि एक में से दूसरे को हटा दो। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक नंबर मेरे पास x है और एक है मेरे पास 99 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक नंबर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 99 माइनस एक्स, इसको पहले लिखो और x को बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएंगे। उन्होंने बोला एक्सीड्स है, एक्सीड कितना एक्सीड है, 9। दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का। तो हम यहाँ से एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करेंगे, तो मुझे पता है जब वो 9 बड़ा है तो अगर मैं माइनस करूँगी तो उनका डिफरेंस मेरे पास 9 ही आना चाहिए। ऐसे आप यहाँ से इज इक्वल टू 9 यहाँ से भी करोगे तो सेम आंसर बनेगा। x ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 99, ये जो माइनस है देखो यहाँ, ये प्लस का था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो अंदर के सारे सिंबल चेंज करेगा। तो यहाँ से माइनस 99 और ये माइनस इसके साथ जाके मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 9। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, इधर 9 है, ये 99 इधर जाके ट्रांसपोज करेंगे तो इधर जाके प्लस के 99 हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 99 में 9 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 108। एक्स यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवीज़न में आएगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, तो एक्स की जगह मेरे पास आता है 54, ठीक है। एक्स का आंसर मेरे पास आया है यहाँ पर 54। एक नंबर तो मुझे पता चल गया है 54, देयर फोर अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास कितना था, 99 माइनस एक्स, 99 माइनस 54, तो ये कितना होगा, 99 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 5, 9 में से 5 4, ठीक है। तो दूसरा नंबर कितना आया है, 45। तो हमारे पास जो दो नंबर है वो क्या क्या आए हैं, एक तो नंबर आया है 45 और दूसरा आया है 54, ठीक है। चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। मुझे पता है इन्होंने बोला था कि जो दो नंबर आएंगे आपके पास, आप उनका सम करके देख लेना। उन्होंने बोला था जो दो नंबर है उनका सम कितना है, 99, क्वेश्चन में यही दिया गया था, तो इनका सम हमारे पास 99 ही बन रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, इफ़ देयर सम इज़ 52, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ करते हैं, इफ़ देखो इन्होंने बोला वन नंबर इज़ 10 मोर देन द अदर, तो मैं यहाँ पहले तो एक नंबर को लैट करूँगी, लेट द नंबर बी एक्स। पहला नंबर हम लेट वन, हमें यहाँ सॉरी ऐसे नहीं लिखना, लेट वन नंबर, दो नंबर है ना, तो एक नंबर को तो हमने एक्स ले लिया, लेट वन नंबर बी एक्स। अब उन्होंने बोला है देयर फोर अदर नंबर क्या आना चाहिए, दो नंबर की बात हो रही है, उनमें से एक नंबर तो एक्स है। उन्होंने बोला है वन नंबर इज़ 10 मोर देन द अदर, अगर एक नंबर एक्स है तो जो दूसरा है वो इससे 10 बड़ा है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 10, ठीक है। दोनों नंबर पता चल गए, एक नंबर एक्स और दूसरा कितना है, एक्स प्लस 10, ठीक है। आगे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ़ देयर सम इज़ 52, कि जो दोनों नंबर हैं, एक तो नंबर है एक्स और एक है एक्स प्लस 10, इनका सम अगर आप इनको प्लस कर देते हो तो सम कितना है, 52। ब्रैकेट ओपन करो, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 52, एक्स प्लस एक्स होगा 2x, प्लस के 10 इधर जाके माइनस के 10 होंगे,
2x आपके पास आ जाएगा 42, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके ये आ जाएगा डिवीज़न में, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 ones are 2, तो x की जगह मेरे पास आ जाता है 21, ठीक है, x की जगह मेरे पास आ गया 21, मतलब एक नंबर तो हमारे पास आ गया 21, therefore अदर नंबर जो दूसरा नंबर है वो क्या आएगा, दूसरा नंबर अदर नंबर क्या आएगा, उन्होंने बोला था जितना नंबर एक आपके पास आएगा दूसरा उससे 10 बड़ा होगा, तो मैं इसमें 10 ऐड कर देती हूँ तो वो कितना आएगा 31, तो आपका आंसर आ जाएंगे एक तो आया 21 और एक आया है 31, चेक कर लो। उन्होंने बोला इन दोनों का सम कितना है 52 है, तो दोनों का सम करके देख लो, 21 है 31 है, दोनों का सम करके देखते हैं तो हमारे पास आता है ये 52, ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, इफ़ पैरामीटर इज 100 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब आप यहाँ देखो, मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। देखो पहले आप ध्यान से देखो, ये होती है इसकी लेंथ, ठीक है, और ये होती है इसकी ब्रेथ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर, वो 20 सेंटीमीटर मोर है मतलब 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है किस चीज़ से, देन इट्स ब्रेथ, जितनी उसकी ब्रेथ है। अब हमें तो यही नहीं पता कि उसकी ब्रेथ कितनी है, लेंथ तो बाद में पता करेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लेट ब्रेथ, जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ कितनी है, हमने यहाँ से ले लिया x, ये तो हो गई है x, देयरफॉर लेंथ कितनी आएगी, उन्होंने बोला लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर मोर है, पहले वाली x थी ब्रेथ तो इसे 20 सेंटीमीटर मोर, मतलब हम उसमें कितना ऐड कर देंगे 20, तो लेंथ आ गई है x प्लस 20 और ब्रेथ आ गई है x, ठीक है। अब इन्होंने बोला इफ़ द पैरामीटर इज 100 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें दिया गया है पैरीमीटर, पैरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, पैरीमीटर हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, पैरीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब आप ये बताओ रेक्टेंगल में पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × और ब्रैकेट के अंदर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, आपको फॉर्मूले याद ही होंगे पहले से, नहीं याद है तो इनको याद कर लेना, पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में 2 × L + B, 2 × ब्रैकेट में देखो लेंथ है मेरे पास x प्लस 20, फिर प्लस का सिंबल है और ब्रेथ है मेरे पास x इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब हम यहाँ से पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेते हैं, x और x हो जाएगा 2x प्लस में 20 इज इक्वल टू 100, 2 यहाँ बाहर मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर जाकर डिवीज़न में कैंसिल किया तो 50, मतलब हमारे पास आया 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो 2x को यहीं पर रखो 50, प्लस के 20 इधर जाके माइनस के 20, 2x इज इक्वल टू 50 में से 20 माइनस हुआ 30, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवीज़न में आ जाएगा, 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 fives are 10, तो x की जगह मेरे पास आता है 15, ठीक है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ब्रेथ है वो कितनी है 15, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर ब्रेथ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, और लेंथ कितनी आ जाएगी, एंड लेंथ, लेंथ उन्होंने बोला था जितनी ब्रेथ है उससे 20 मोर है x प्लस 20, तो इसमें 20 और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 35, आपके दो आंसर आएंगे इसमें 15 और 35, ठीक है, दो आंसर क्या क्या आया है 15 और 35, और यहाँ ये बेशक आप इसी को यही आंसर बता दो क्योंकि उन्होंने ब्रेथ और लेंथ अलग अलग पूछी है, तो ब्रेथ था ये 15 और लेंथ था ये 35, चेक करना चाहो तो आप अब चेक भी कर सकते हो, ठीक है, चेक कैसे करोगे, आपको पता पैरामीटर निकालोगे, P4 पैरामीटर, उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 × लेंथ था ये हमारे पास 35 और ब्रेथ था ये मेरे पास 15, 2 × 15 में आप 35 और 15 को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, 52 is 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।